ये वाला जो व्यू है ना, बहुत ज़्यादा मस्त व्यू है। यहाँ से पूरा जंगल जंगल, यहाँ फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है, और इधर ये सारे टेंट्स इस तरीके से विद प्राइवेट बालकनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। और रूम्स भी हैं वैसे अगर आपको टेंट में नहीं रहना, लेकिन आजकल तो ग्लैम्पिंग का टाइम चल रहा है तो ग्लैम्पिंग में ही मज़ा आता है। आओ आपको टेंट दिखाती हूँ, एंड पर्सनली दिस इज माय आल्सो फर्स्ट एक्सपीरियंस। आ जाओ, आओ भी आ जाओ। ये है हमारा ग्लैम्पिंग। सबसे अच्छा व्यू आपको मिलेगा यहाँ से। रेडी हो? पूरा फॉरेस्ट व्यू है यहाँ से, बालकनी से, ग्लैम्पिंग्स में। इन्होंने यहाँ पर सबकी ना एक प्राइवेट बालकनी दी हुई है, जैसे ये हमारी वाली बालकनी है। एंड व्यू काफ़ी अच्छा है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है पीछे। ये है हमारा ग्लैम्पिंग टेंट। यहाँ पर बेड है, इधर वॉशरूम दिया हुआ है, इधर मिरर है, एसी तक लगा हुआ है यहाँ पर। एंड वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये अलमीरा दी हुई है यहाँ पर। एंड कॉफ़ी वॉफ़ी बनानी है तो कैटल वेटल सारा इंतज़ाम है। प्लस ये वाला जो व्यू है ना, बहुत ज़्यादा मस्त व्यू है। यहाँ से पूरा जंगल जंगल, यहाँ फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है, और इधर ये सारे टेंट्स इस तरीके से विद प्राइवेट बालकनी है। यहाँ पर फ्रिज भी दिया हुआ है इन्होंने, ये फ्रिज है। यहाँ पे मंगवाई है कोदा रोटी, जो पहाड़ी रोटी होती है, और लैंसडाउन आ रहे हैं तो यहाँ पर ये चर्च है, 18वीं सदी में बना हुआ है, तो यहाँ आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। उस तरफ ट्रैवल कैफ़े है, मैंने इंस्टा की रील शूट करी है, आप इंस्टा में जाके चेक करना। और बाकी आगे टिप एंड टॉप है, वो भी मैंने इंस्टा की रील में दिखाया, आप इंस्टा में चेक करना। चलें भुल्लाताल, यहीं से आगे भुल्लाताल जाने का रास्ता है, वहाँ पर वॉकिंग के लिए है। हम सोच रहे थे कार चली जाएगी, लेकिन हमें कार वाला रास्ता नहीं दिखा, हमने काफ़ी ढूंढा, चल के देखते हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, लाइक बैडमिंटन प्ले कर सकते हैं, अंदर काफ़ी सारी गेम्स हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बॉन फायर के मज़े ले रहे हैं, ठंड बहुत अच्छी खासी हो रही है यहाँ पर। वाओ, अभी बस डिनर करेंगे थोड़ी देर में। आज होने वाला है फर्स्ट एक्सपीरियंस ग्लैम्पिंग में, टेंट में सोने का। अभी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है बाहर, तो काफ़ी आवाज़ें भी आ रही हैं टेंट में से। इस टाइम रुकी हुई है बीच बीच में, मतलब तेज़ तेज़ हवा चल रही है। चलो सुबह मिलती हूँ मैं फिर आपसे। मॉर्निंग एवरीवन, तो काफ़ी अच्छी रात इनकी निकली है। मेरे को तो नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं आई, इतनी तेज तेज हवा चल रही थी ना, तो मेरे को नींद नहीं आई। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था शायद इसलिए, बाकी तो मजा बहुत आ रहा है। एक्सपीरियंस तो मेरा भी था ग्लैम्पिंग का। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज रोज करता हूँ, लेकिन मुझे तो नींद आ गई, बढ़िया नींद आई, मजा आया यहाँ पर, नया एक्सपीरियंस भी था। और ये पूरा जंगल व्यू है, सुबह उठते ही नज़ारा बेहतरीन था देखने के लिए। जंगल व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, पूरा ये जो व्यू दिख रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अब ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं वापस अपने।